और सीधे आपको लिए चलते हैं गृह मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर, आइए सुनते हैं। उसमें जितना भोजन की जरूरत हो वो उपलब्ध हो, सैनिटेशन वगैरह का वहां पे ध्यान रखा जाए और इस पूरी मुहिम में उनको परामर्श दिया जाए। परामर्श दिया गया कि वो कम्युनिटी लीडर्स का भी सहयोग ले, वॉलंटियर्स का भी सहयोग ले और ट्रेन्ड काउंसलर्स का भी सहयोग ले। स्टेट्स और यूटीज ने मिलकर काफी रिलीफ कैंप्स सेटअप किए, बहुत लोगों को के खानों की खाने की व्यवस्था की, बहुत लोगों के आश्रय की भी व्यवस्था की। उसके बाद लॉकडाउन के दूसरे चरण में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई और इसके साथ साथ जिससे कि श्रमिकों को रोजगार मिले, एक 19 अप्रैल को ऑर्डर निकाला गया जिसके अंतर्गत माइग्रेंट्स का राज्य के भीतर कार्यस्थलों के लिए आवाजाही को अनुमोदित किया गया, उसकी अनुमति दी गई। 29 अप्रैल को ये देखते हुए कि प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों में भी जाना है, एक ऑर्डर द्वारा ये अनुमति दी गई कि वे अंतर्राज्यीय आवाजाही कर सकते हैं। 1 मई को इंटरस्टेट मूवमेंट प्रवासी मजदूरों का, प्रवासी श्रमिकों का ट्रेन द्वारा भी परमिशन दी गई और इसके लिए गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सभी स्टेट्स एंड यूटीज ने आपस में समन्वय स्थापित किया और हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल पड़ी। 19 मई को एक और एसओपी निकाला गृह मंत्रालय ने जिससे कि ये प्रक्रिया और भी सुगम हो जाए और भी स्पीड अप हो जाए। और आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रेलगाड़ियों की संख्या पर डे 200 से अधिक हो गई है और इसके बारे में अन्य डिटेल्स चेयरमैन रेलवे बोर्ड अपनी टीम के साथ यहाँ है, वे शेयर करेंगे। हम एसओपीज तो निकाल ही रहते पर साथ ही साथ स्थिति को देखते हुए स्टेट्स एंड यूटीज को एडवाइजरीज भी जारी कर रहे थे। हमने उनको परामर्श दिया कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स वॉकिंग पाए जा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको नियरेस्ट शेल्टर होम तक ले जाया जाए, उनके लिए भोजन आश्रय का प्रबंध किया जाए और जहां से वे बसेस बोर्ड कर सकते हैं या श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले सकते हैं वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हमने स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो प्रोएक्टिवली कोऑर्डिनेट करें और बसें और ट्रेन्स चलाएं और इस पूरे प्रोसेस में एरिया, हमारे एमएचए के एरिया ऑफिसर्स और रेलवे मंत्रालय के भी ऑफिसर्स सब जुटे हुए थे। हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है और जो एनजीओज हैं उनका भी सहयोग लेने को बोला जिससे कि जो हमारे परेशान श्रमिक हैं उनको गाइड कर सके और जो भी उनके मन में भ्रांति है उसको दूर कर सके। हमने अपने आदेश में ये भी कहा कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और आज सबके सहयोग से 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चल चुकी हैं, 35 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक इन ट्रेनों का उपयोग कर चुके हैं। रेलवेज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 1 जून से 200 रेगुलर ट्रेन्स भी चलाने का बंदोबस्त किया है और अभी तक 14 लाख से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। इंटरस्टेट बस मूवमेंट द्वारा भी 40 लाख माइग्रेंट वर्कर्स से ज्यादा यात्रा कर चुके हैं और आज एमएचए, रेलवे, स्टेट्स और यूटीज मिल करके इस पूरे प्रोसेस को और भी सुगम बनाने के लिए और भी फैसिलिटेट करने के लिए जुटा हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं चेयरमैन रेलवे बोर्ड से कि रेलवे की तरफ से क्या क्या और सुविधाएं और क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी दें। नमस्कार, मैं आपको जो इंडियन रेलवेज ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ड्यूरिंग कोविड-19 उसके बारे में एक प्रस्तुति करूंगा। सबसे पहले जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में, जैसे पुनिया ने बताया कि 1 मई को भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही ये निर्णय लिया कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम रेलों के द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाएँ और इसके लिए राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके रेलवे ने अपने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, राज्य सरकारों ने अपने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए और एक जो एलाबोरेट सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, हाइजीन का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है जिससे कि वो केवल एसिम्प्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें और जो भी ट्रेवल करें वो फेस मास्क लगा के ट्रेवल करें, ये सब सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने 1 मई 2020 जो कि श्रमिक दिवस भी होता है उस दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की थी और
भारतीय रेल ने यह भी इंतजाम किया कि रेल के भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो ट्रेन चलाने का हमने इंतजाम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे सारे जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जहां भी उनको जरूरत पड़ती है जो भी रिक्वायरमेंट आती है वो अगर वो रेलवे को बताएं तो रेलवे जहां भी हमारा रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। तो एक तरह से एक राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक सहमति के साथ एक सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम के तहत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से मेंटेन किया गया हर स्टेशन पे। ये आंकड़ा जो है हमने जो पहली मई को ट्रेन चलाया था उस दिन केवल 4 ट्रेनें चली थी, 4000 यात्री चले थे और 20 मई को हमने सबसे ज्यादा ट्रेन चलाया 279 और करीब 4,00,000 पैसेंजर 20 मई को ट्रेवल किए। और अगर पिछले 4 दिन का अगर आप एवरेज आंकड़ा देखें तो करीब 260 यात्री ट्रेनें चलाई गई हैं एवरेज पिछले 4 दिनों में और करीब 3.5 लाख एवरेज यात्री उन्होंने 4 दिनों में ट्रेवल किया है और आज तक करीब 26 लाख से ज्यादा यात्री ट्रेवल कर चुके हैं। और ये जो 26 लाख यात्री ट्रेवल किए हैं ये सूचीबद्ध तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। इसके अलावा हमने जितने भी राज्य सरकारें हैं उनसे ये अनुरोध किया था कि अगर राज्य सरकार के अंदर सीमा में उनके किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी श्रमिक को ट्रेवल करना है और वो हमें अगर रिक्वायरमेंट अपनी देंगे तो हम कम से कम समय में ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। सो राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेनें चलाई और उसमें करीब 10 लाख यात्रियों ने और ट्रेवल किया। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा हमारा है 36 लाख और 35 लाख और 10 लाख करीब 45 लाख का आंकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के डेस्टिनेशंस हैं अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो इसमें यूपी और बिहार यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर हैं वो करीब 80% यात्रा उन्होंने इस दो स्टेट से किया है और बाकी जो दूसरे स्टेट हैं वो भी इसमें दिख रहा है, मध्य प्रदेश, झारखंड और कुछ और भी स्टेट हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें दिख रहा है आपको यूपी और बिहार में गए हैं और 80% ट्रेन जो है यूपी और बिहार में गई हैं और इस वजह से कुछ जो यूपी बिहार के नेटवर्क हैं उसमें कुछ कंजेशन भी आ रहा था लेकिन हमने एक तरह से पूरा 24 घंटे इसको मॉनिटर करके और कुछ टर्मिनल्स पे चूंकि ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है स्क्रीनिंग का, हेल्थ प्रोटोकॉल का, उस टर्मिनल में यात्रियों को उतारने में भी थोड़ी सी समय लग रहा था, उन सबको दुरुस्त करते हुए जो एक थोड़ा सा कंजेशन आया था उसको भी ठीक करके ये सुचारू रूप से ये श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चल रही हैं। ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके और जो उनके पास इस समय एक रिक्वायरमेंट है उसको भारतीय रेल और राज्य सरकारें एक साथ मिलके एक नेक्स्ट 10 दिनों के लिए, अगले 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है। आप देख सकते हैं इस कॉलम में हमने डेस्टिनेशन स्टेट का एक लिस्ट दिया है, एक ओरिजिनेटिंग स्टेट का लिस्ट दिया है। सो ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन का एक मैट्रिक्स बना के अगले 10 दिनों में जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल करी हैं और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरंत अरेंज कराएंगे। हम अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमने ट्रेन प्लेस करके रखी हुई है, एक तरह से रिक तैयार करके रखी है और जैसे ही हमको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से हम विद इन स्टेट भी ट्रेन चलाने को तैयारी करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो नेक्स्ट 10 दिन का जो मेरा एक प्रोजेक्टेड आंकड़ा है उसमें 36 लाख ये जो सूचीबद्ध तरीके से इंटर स्टेट ट्रेवल और करीब 10 से 12 लाख जो विद इन स्टेट हम ट्रेवल का आंकड़ा रख के चल रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे ने व्यवस्था की हुई है इसके तहत जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं
वो जहां भी हैं उनको वहां से गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है, और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएं। तो इस तरह से जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो समन्वय बना के भारतीय रेल ने व्यवस्था कर रखी है, अगले 10 दिनों में काफी ये जो 46 लाख श्रमिक भाइयों को हम उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा पाएंगे। हमने 12 मई को कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई थी, 30 ट्रेन चलाई थी, उसमें जो अभी बुकिंग आ रही है करीब 97% की बुकिंग आ रही है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल हैं और जो स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल हैं, जो नीचे वाला ये पिक्चर है उसमें हमने एक ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग का अरेंजमेंट लगाया है जिससे कि थर्मल कैमरे से वो पता चल जाता है, अगर किसी भी यात्री का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अपने आप फोटो के साथ इंगित कर देता है। तो इस तरह से सारे स्टेशनों पे हमने ये अरेंजमेंट कर रखे हैं, और जिस तरह से एक नॉर्मलसी की तरह बात चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, और उसकी तरफ हमने 1 जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है, और जिसके लिए कि हमने बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। शुरू में हमने बुकिंग शुरू करी थी केवल ऑनलाइन, फिर धीरे धीरे जैसे कि ज़रूरत महसूस हुई, ऐसा हम लोगों को पता चला कि जो दूसरे श्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, सो हमने सारे विंडोज खोलने का निर्णय लिया है, जितने भी बुकिंग काउंटर के विंडो हैं उनको खोला गया है, 1000 विंडो ऑलरेडी खुल चुके हैं, और सारे जोनल रेलवे को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ज़्यादा विंडो खोलें। उसके बाद से हमने जो रेलवे एजेंट हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उन सबको ये अनुमति दे दी है कि वो करें, और हमने ये भी अनुमति दे दी है कि जो हमारे रेलवे के 6000 से ज़्यादा स्टेशन हैं वहाँ पे सब जगह जो रेलवे के स्टॉल्स हैं उसको भी खोल दिया जाए ताकि जो यात्री जर्नी करेंगे उनको दिक्कत होगी। ये एक एडवाइजरी ट्रेन पैसेंजर्स के लिए हमने दी है, इसको जगह जगह कोचेज पे डिस्प्ले किया, स्टेशन पे डिस्प्ले किया, हम उनको ये लीफलेट भी दे रहे हैं ताकि ये लोग अपना इस एडवाइजरी को फॉलो कर पाएं। एक हमने ये कोविड केयर सेंटर के लिए कुछ कोचेज कन्वर्ट किए थे, 5000 कोचेज हमने तैयार किए हैं जिसमें करीब 80000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं, और ये जो कोविड केयर सेंटर के कोचेज हैं इनको हमें जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी वहाँ पे यूज करना है। अभी चूंकि ये कोचेज यूज में नहीं थे तो हमने निर्णय लिया कि उसमें करीब 50% कोचेज को हम श्रमिक स्पेशल की तरह भी यूज कर लें, और 50% कोचेज को अभी भी हमने डिफरेंट जगहों पे रखा हुआ है कि जहाँ भी कोई इमरजेंसी आएगी तो यूज करेंगे। और ये कोविड कोच सेंटर ये भी जो श्रमिक स्पेशल में यूज हो रहे हैं, एक बार ये भी जरूरत पड़ेगी तो इसको वापस ला के इसको कोचिंग कोविड केयर सेंटर की तरह यूज किया जा सकता है। ये हमने करीब 5000 बेड्स 17 हॉस्पिटल्स हमने पूरा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है, जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं उसमें मुंबई का जगजीवन राम हॉस्पिटल है, कलकत्ता में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, लखनऊ में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, तो इस तरह से करीब 17 हॉस्पिटल रेलवे के हमने इंडिपेंडेंट कोविड केयर हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है, और 33 हॉस्पिटल जिसमें हम ब्लॉक्स को आइसोलेट कर सकते थे उसको एक कोविड केयर ब्लॉक की तरह कन्वर्ट किया है। ये हमारा रेलवे का प्रयास है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स चल रहे हैं कोविड केयर के लिए उसमें हम अपना योगदान दे पाएं। ये क्वारंटाइन फैसिलिटी करीब 10,500 बेड्स हमने अपने डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ भी हम उसको स्पेयर कर सकते थे, ये भी एक हमारा एफर्ट है रेलवे का कि हम इसके लिए जो राज्य सरकारों के एफर्ट्स हैं उसमें हम इसको सप्लीमेंट कर पाएं। एसेंशियल कमोडिटीज 24 घंटे हम लोग इस पे मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं चाहे फूड ग्रेन है, सॉल्ट है, ऑयल है, इस सबको मूवमेंट में हमने 24 घंटे काम किया। कोल, फर्टिलाइजर जो कि पावर प्लांट्स के लिए कोल की जरूरत थी उसको मूव किया। फूड ग्रेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम नॉर्मल फूड ग्रेन मूव करते थे, जैसे कि अगर हमने पिछले साल इसी पीरियड में जो मूव किया था उससे करीब करीब दुगना फूड ग्रेन हमने इस समय मूव किया। उसके बाद से हमने एक ये नई पार्सल सर्विस शुरू करी, और इसका मकसद यही था कि जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज हैं, मेडिसिन हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं,
फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, मिल्क, इन सबको हम एक टाइम टेबल पार्सल ट्रेन की तरह मूव कर पाएं। सो ये एक रेलवे ने पहल की और ये कोशिश करी कि हम जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसको वहाँ पहुँचा पाएं। हमने जो कोविड के लिए जो जिन चीज़ों की जरूरत थी, पीपी की शुरू शुरू में देश में बहुत दिक्कत थी, सो भारतीय रेल ने एक ये पहल की और हमने अपने वर्कशॉप में खुद पीपी तैयार करना शुरू किया। 1,20,000 पीपी हम बना चुके हैं, करीब 4,000 डेली हम बना पा रहे हैं। मास्क हमने बहुत बड़े स्केल पे बनाया, सैनिटाइजर्स बनाए, हैंड सैनिटाइजर बनाए, जिसको कि हमने यूज किया अपने भारतीय रेल के। तो कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब तक क्या क्या काम किए गए इसकी जानकारी दी गई और आगे आपको बताएं कि सभी राज्यों को जो है कोरोना को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए।